जय हिंद, आई वेलकम यू ऑल। एक बार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज की क्लास में जैसे कि हम देखेंगे कि बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आ चुकी है, एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है आप सबके सामने। आप देख सकते हैं जैसे कि एक बहुत बड़ा नंबर जिसका है 21,391 जो कुल पद हैं बिहार पुलिस के लिए। आप देखो बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती जो अनाउंस हो चुका है उसके सारे मतलब सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि क्या उसकी योग्यता क्या होगी, उसकी आय क्या है, मतलब आयु एज क्या है, उसके पाठ्यक्रम क्या है, जो सिलेबस है वो क्या है, उसका वेतन सैलरी क्या है, एग्ज़ाम डिटेल्स। अगर हम एग्ज़ाम डिटेल्स के बारे में बात करें, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कैसे जो है एग्ज़ाम होगा, किस तरीके से एग्जाम लिया जाएगा। और सबसे पहली चीज, आपके सामने एक बहुत बड़ा मौका है कि आप चाहेंगे तो इसी बार की जो वैकेंसी है, एक बहुत बड़ा नंबर है, इस बार वर्दी हमारी होके रहेगी, आप सबकी होके रहेगी। बस आपको क्या करना है कि जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे मैं बता रहा हूं, वो चीज आपको समझना है। और आखिर में मैं बताऊंगा कि अगर ये जो चीजें हैं जो आपको मैं बताऊंगा और क्या कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे आपको काम करना है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इस बिहार पुलिस के अंदर जो 21,391 बहुत बड़ा नंबर है, जो कुल पद है, उस कुल पद को मैं ये बताना चाहूंगा कि केंद्रीय चयन जो है परिषद है उसके तरीके से लिया जाएगा। एक बोर्ड होता है जिसका, जिसे सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड भी कहा जाता है, और उसी के द्वारा जो है बिहार पुलिस का इस बार पेपर वगैरह जो भी है सब कुछ कराया जाएगा। चलिए एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि आपके सामने ये जो बहुत बड़ा नंबर है, जो बहुत बड़ा नंबर जिसके बारे में आपको बताया, 21,391 टोटल पोस्ट है। ये जो है 21,391 जो आपको इस बार मिलेगा, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर है कि जो कि देखने को हमारे जो सामने जो मिला है। अगर मैं बात करूं इसके जो फॉर्म भरने की जो तिथि है वो है 20/6/2023, यानी जिसका मतलब ये हुआ कि 20/6/2023, 20 जून 2023 से आवेदन करने का जो लिंक है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप वो डेट जो है आप देख सकते हैं। याद रखना कि आप जितना पहले करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो ये मत इंतजार करिए कि सर आप जैसे कि बता रहे हैं कि ये जो 20/6/2023 से समाप्ति की तिथि है, एंडिंग डेट जो है वो है 20/7/2023, लगभग एक महीना, पूरा का पूरा महीना मिल रहा है। तो आप ये ना इंतजार करें कि अभी तो ये शुरुआत हुआ है, हम बाद में भरेंगे या कुछ दिन के बाद करेंगे। आप जितना जल्द से जल्द है इस फॉर्म को भरिए और लग जाइए अपने इस वर्दी को पाने की तरफ। जो वर्दी है इस बार आपको मिलेगी ही, और उसकी जो हनक होती है वो आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। जब अपने सामने आप देखते हो किसी व्यक्ति को जो एक वर्दी का जो हनक निकल के आता है, तो इससे बेहतर, इससे जो चीज है इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बता सकता हूं, आप खुद वो चीज फील करते हो। तो ध्यान रहे कि स्टार्टिंग का जो डेट है, जो फॉर्म भरने की जो तिथि है, वो 20/6 यानी 20 जून से शुरू हो जाएगा और खत्म होने की जो तिथि है वो है 20/7/2023। लगभग पूरे के पूरे एक महीने का टाइम मिला है सीधा सीधा। बात करते हैं कि अगर ये जो 21,391 जो भर्तियां हैं, टोटल पोस्ट हैं, इन ये कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। कैटेगरी के बारे में अगर मैं बात करूं, आपके सामने आप देख सकते हैं इसकी पूरी की पूरी कैटेगरी है, जिसमें जो है पहली कैटेगरी जनरल, वो दूसरा है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का मतलब है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी ये जनरल तरीके से ही होते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिकली जो वीकर लोग हैं, यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर है, उनके लिए है ये। तो अगर मैं बात करूं जनरल की सीट, यानी टोटल जो पोस्ट है वो है 8,556, ये भी ठीक ठाक नंबर है। ईडब्ल्यूएस को देखें तो 2140 सीट टोटल ईडब्ल्यूएस के दायरे में है। उसके बाद एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, यानी जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है, तो ये है शेड्यूल कास्ट के अगर बारे में बात करें तो वो है 3,400। अगर आप एसटी के बारे में बात करें, शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करें, यानी एक जाति एक जनजाति, तो यहां पर है शेड्यूल ट्राइब 228 सीट। अगर हम ईबीसी, जिसका मतलब है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, जो इकोनॉमिकली जो व्यक्ति जो बैकवर्ड क्लास में है उनके बारे में बात कर रहा है कि 3,842। आप कहीं ना कहीं देखो ईडब्ल्यूएस और ईबीसी, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा है। तो ईबीसी में 3,842 सीट मिली है,
पोस्ट में इसमें है, यहां पर 3842 सीट मिल रही है। बैकवर्ड क्लास की अगर बात करें हम, तो बैकवर्ड क्लास में भी ठीक ठाक सीट दिया है 2570। और यहां पर बैकवर्ड क्लास में आप देखो तो, अगर बैकवर्ड क्लास की बात करें तो 2570 और 650 दोनों मिला के है, लेकिन अलग से बैकवर्ड क्लास की जो फीमेल हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए अलग से सीट दिया है 655। यह है 655 सीट। और कहीं ना कहीं ये इस चीज को बाइफरकेट किया है कि अगर जितने लोग जिसमें आप आ रहे हैं उसी में आपको लड़ाई लड़नी है, उसी के अंदर एक दूसरे से कॉम्पीट करना है। तो ये हो गई पूरी की पूरी कैटेगरी, जिसमें अलग अलग जो पोस्ट मिलेंगे और उसमें जो सीट मिल रही है ये आपके सामने है। आप ये तय कर सकते हैं कि आप किस दायरे में आते हैं, आपको कौन सा भरना चाहिए, इसमें कौन से किस सेक्शन में आपको आगे आना है। बात करते हैं और कि इसकी जो है कैटेगरी, और कैटेगरी में जो है इसका मिनिमम एज क्या है और मैक्सिमम एज क्या है। यानी जैसे कि मैंने कहा था कि आपको मैं पूरा आयु बताऊंगा जो एज के पर्सपेक्टिव से है। एज क्या है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस, जो भी लोग जनरल हैं या फिर ईडब्ल्यूएस हैं, दोनों लोग, उनकी जो मिनिमम एज है यानी कम से कम एज है वो है 18 साल, और अधिकतम एज मैक्सिमम एज वो है 25 साल। और यही चीज अगर मैं देखूं बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो लोग हैं वो भी सेम है, 18 साल 18 साल। पहली बात कि मिनिमम तो सबका समान है, सबका सेम है, 18 साल कम से कम होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम में क्या है कि जो जनरल और ईडब्ल्यूएस है उनका 25 साल, बीसी और ईबीसी यानी बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो है वो है 27 साल, अधिकतम जो एज है वो हो सकती है। यहां 1 साल, यहां 2 साल का रिलैक्सेशन है जो राहत है थोड़ा सा। और बैकवर्ड क्लास और जो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास, जो खास करके महिलाएं हैं जो फीमेल कैटेगरी के अंदर हैं, उनको 1 साल और ज्यादा मिला है 28 साल। यानी पुरुषों के लिए 27 और महिलाओं के लिए 28। एक बार और मौका है, कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि अभी भी मौका है, लग जाइए, सारा जहां आपका होगा। बस थोड़ी कुछ दिन की बात है, उसके बाद आप खुद समझते हैं कि क्या होता है जो नौकरी लग जाने के बाद, जो हालात होती हैं, जो चीजें होती हैं कैसे तुरंत बदल जाती हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं। दूसरा चीज, यहाँ एससी और एसटी के बारे में अगर बात करूं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, जो उस कैटेगरी में आते हैं, उनकी मिनिमम तो समान है, सबकी 18 साल है, लेकिन इसमें और 2 साल बढ़ गया, 30 साल। तो जो जनरल और ईडब्ल्यूएस है उनका 25, जो बैकवर्ड और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है वो 27, 1 साल ज्यादा महिलाओं को 28, और सबसे ज्यादा है जो 30 साल तक है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले लोगों का। तो ये था आपका कि जो एज क्राइटेरिया क्या है, यानी एज क्या होना चाहिए। पहला मैंने आपको पोस्ट प्रेफरेंस दिया, क्या क्या पोस्ट मिलेगा, किसके अंदर आप जा सकते हो, आप ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस में फाइट करने जा रहे हो। दूसरी चीज, एज जो है वो आपके सामने है, सबका कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, और उसके बाद जो मैक्सिमम है वो डिपेंड करेगा कि आपकी कैटेगरी क्या है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहां पर कुछ ऐसी, जैसे कि नौकरी जो है ये एक सिपाही की नौकरी है, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो कुछ शारीरिक दक्षता, यानी जो अड्रॉइटनेस, जो एक फिजिकल जो अड्रॉइटनेस है वो भी मांगता है, वो भी इसे चाहिए। जिसको शारीरिक दक्षता के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेल, फीमेल और इस बार ट्रांसजेंडर, तीनों तीन कैटेगरी में दे दिया है। अगर मेल है तो उसकी जो हाइट है वो 160 से 165 सेंटीमीटर, 160 से 165 सेंटीमीटर चाहिए, जिसका मतलब होता है लगभग 5 फिट 2 इंच और 4 इंच। तो इतना आपका कम से कम ये जो है हाइट होनी चाहिए। टेस्ट जो है वो 81 से 86 के बीच में होना चाहिए, और चेस्ट एक्सपेंशन भी देखा जाएगा। आप जैसे सीना को आपको फुला के भी दिखाना पड़ेगा, वो सेंटीमीटर के अंदर है जो दिखाएगा। दूसरी चीज, मेल की जो हाइट जो है रिक्वायर्ड है वो है 160 से 165, इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं। दूसरा, फीमेल जो है, महिला जो है, उनका 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यही है कि जो इसमें आती है ट्रांसजेंडर में, वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। इनको, इनके लिए भी मौका है, तो 165 सेंटीमीटर है। अगर मैं ध्यान से यहां समझना, एक चीज को समझाना चाहूंगा, टेस्ट रिक्वायरमेंट यहां पर है, यहां पर मेंशन नहीं किया है।
लेकिन यहां पर देख लो कि यहां पर जो है अगर मैं वेट के बारे में बात करूं तो देखो वेट का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। मैं यहां पर कोई भी मेंशन अगर कर दूंगा तो थोड़ा सा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं कि आपकी एज क्या है, दूसरी चीज ये निकल के आती है कि आपके एज के साथ साथ आपकी हाइट क्या है, तो हाइट के हिसाब से ये जो है काम करना शुरू करेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर एक लेना चाहूँगी, जैसे फीमेल है अगर 155 सेंटीमीटर है तो उनकी हाइट ऑन एन एवरेज 48 तक होती है, और हाइट सॉरी वेट जो है 48 kg के आसपास है। और इसमें भी थोड़ा सा आपको मिलता है कि ऐसे मान के चलो कोई जरूरी तो है नहीं कि कोई 48 kg का ही होगा, हो सकता है 1 kg ज्यादा हो जाए, 2 kg ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए। तो ये जो कम और ज्यादा का है इसको बैलेंस करने का कुछ परसेंटेज में रेशियो निकलता है। तो वेट एक पूरा ही डिफरेंट चीज होता है, ये एक पूरा ही अलग चीज है जिसके अंदर आपके एज को और दूसरा आपके हाइट को मिला के ये चीज निकाला जाता है, तो वो यहां पर आता है। बट ये जो है हाइट है ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों के बारे में अगर मैं बात करूं कि जैसे कि आपको पता है कि ये जो एग्जाम है इसके अंदर दो कैटेगरी होंगी। दो कैटेगरी का मतलब ये है कि पहला जो है एक लिखित परीक्षा होगी, यानी ये दो स्टेज में कराया जाएगा। स्टेज वन क्या है आपका रिटेन, जो रिटेन एग्जाम है होना है वो होगा OMR सीट पे, OMR सीट पे आपको बबल करना है। दूसरा स्टेज है कि इसके लिए आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT आपको देना पड़ेगा, जिसके अंदर जो बिहार सरकार की तरफ से या जो इस बोर्ड की तरफ से, जो सेंट्रल जो बोर्ड है इसकी तरफ से जो जो दिया गया है ये OMR सीट के जरिए रिटन एग्जाम का और PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट की रिक्वायरमेंट दी गई है। खास करके एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ फोकस करना चाहूंगा कि रिटन एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन जो मेरिट जो ज्यादातर बननी है, मेरिट का एक अहम रोल रहना है PFT में। PFT के जरिए इसका अहम रोल रहे, अहम किरदार है। एक एक करके देखते हैं, सबसे पहले स्टेज वन को समझते हैं। स्टेज वन जो है वो है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो है वो किस आधार पर होगा, किस तरीके से होगा, खास करके अगर मैं बात करूं रिटन टेस्ट जो है उसका पाठ्यक्रम, मैंने क्या कहा आपसे कि क्या क्या इस बार जो है योग्यता क्या क्या है, एज क्या है और पाठ्यक्रम सिलेबस के बारे में मैं बात करूंगा कि इस पाठ्यक्रम क्या है। लेकिन ध्यान देना ये पाठ्यक्रम है ये बिहार से, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि बिहार की थोड़ी बहुत चीजों का रोल इसमें होना ही होना है। अगर मैं बात करूं आप पहली लाइन को पढ़ सकते हैं कि लिखित परीक्षा का जो स्तर है, यानी लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा, यानी कहीं ना कहीं इसका स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया कि 10th जो क्लास है जिसे मैट्रिक भी कहा जाता है अथवा उसके जो समकक्ष स्तर का होगा, यानी ये 10वीं क्लास या उसके इक्विवेलेंट उसके बराबर में जो 10वीं लेवल के बराबर है और 10वीं क्लास है जो मैट्रिक आता है उसके समकक्ष स्तर का होगा। 10th लेवल का पेपर है, पुलिस के लिए है। कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि आपको दरोगा है, दरोगा का लेवल बढ़ जाता है, ग्रेजुएशन लेवल पर आ जाता है। यहां पर है खास करके बात करें इसका इस पाठ्यक्रम का विषय, अगर मैं इसके विषय के बारे में बात करूं तो विषय अमूमन इसके अंदर 5 से 6 कैटेगरी में है। अगर मैं बात करूं यहां पर पहला जो निकल के आता है जिसको पेपर वन कहते हैं, ये लैंग्वेज बेस्ड, यानी जो लैंग्वेज जो है पेपर वन का मतलब ये है कि पहले अगर कैटेगरी वाइज देखें इसका लैंग्वेज क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें छिपी होती हैं कि हमें इस, जैसे मान के चलो कि अगर हिंदी और इंग्लिश पूछने का रीजन क्या है, क्योंकि ये आपसे लैंग्वेज का टेस्ट लेना चाहता है कि आपको लैंग्वेज पता है कि नहीं, जो हिंदी है और अंग्रेजी है। बिहार की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है, तो कहीं ना कहीं हिंदी तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें एडवांस चीजों को इंट्रोड्यूस किया है जिसमें इंग्लिश, तो इंग्लिश को भी देना है आपको, इंग्लिश से क्वेश्चन आपको देखने हैं। मैं आपको सारे वो बात बताऊंगा अंग्रेजी को लेके कि कैसे अंग्रेजी क्वेश्चन आते हैं क्या है, मैं खुद आपको इंग्लिश ही पढ़ाऊंगा, मैं इंग्लिश ही आपको बताऊंगा। दूसरा चीज यहां पर लैंग्वेज तो हो गया हिंदी और इंग्लिश, उसके बाद हम आते हैं सामाजिक विज्ञान, जो सामाजिक विज्ञान जो समाज के बारे में बताता है, समाज के विज्ञान के बारे में बताता है, जैसे कि इतिहास,
कि हम प्राचीन काल में कैसे थे, हम मध्य काल में कैसे थे, हम आधुनिक काल में, हम इस समय जो जी रहे हैं वो हमारा काल कैसा रहा है, कैसे कैसे हमने सर्वाइव किया है, कैसे हमने अंग्रेजों से आज़ादी ली, क्या क्या चीज़ें हुई, बीच में क्या हुआ, बीच का पीरियड क्या है, सीधा है इतिहास। दूसरा है भूगोल, भूगोल के बारे में कि हमारा जो ब्रह्मांड है, खास करके इसमें तो इंडियन ज्योग्राफी, जिसे ज्योग्राफी भी कहते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय, भारत के बारे में ही पूछेगा, नदियां, पहाड़, झरना, ये सारी चीजें पूछे जाएंगे। नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र जैसे नागरिकों के बारे में कैसे लोग रहते हैं, कहाँ क्या है, कहाँ जाति, जैसे कहीं ना कहीं आप देखोगे तो बिहार जो है पूरे जो स्टेट के बारे में अगर बात करें तो हाई डेंसिटी स्टेट है, यानी बिहार के अंदर जो 1 किलोमीटर के वर्ग एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कल्चर क्या है, किस तरीके से उनका रहन सहन है, वो सारी चीजें पूछनी है। उसके बाद आता है अर्थशास्त्र, जिसे इकोनॉमी भी कहते हैं, जो इकोनॉमी है कि हमारे देश में कैसे देश चलता है, क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसीज जो होता है, मुद्रक जो मुद्रा है वो क्या चीजें हैं, इन सारी चीजों से क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आते हैं विज्ञान यानी साइंस की तरफ, देख रहे हो सारी चीजें पूछा है। साइंस में अगर मैं बात करूं भौतिकी के बारे में, जिसे फिजिक्स कहा जाता है, फिजिक्स के वो सारे क्वेश्चन, किस तरीके से जो है लाइट कैसे आती है, यानी वो लाइट हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं, वो है। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, ये चीज आपसे पूछेगा, इसका इसका ये कैसे बनता है, वाटर को हाइड्रो H2O ही क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें। यहां पर है प्राणी शास्त्र, प्राणी शास्त्र का मतलब है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक्चुअली बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब हो गया प्राणी शास्त्र, दूसरा होता है वनस्पति, बॉटनी, यानी वनस्पति का मतलब है पेड़ पौधे, ये सारी चीजें, इनके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। अगर उसके बारे में उसके बाद बात करें सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक जो मामले हैं उनसे संबंधित, जिसे अगर आसान भाषा में कहना चाहें करेंट अफेयर्स, यानी जो सारे जो वर्तमान के जो अफेयर्स हो रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कैसे हुआ, तो वो जो करेंट के अफेयर्स हैं, इन सारी चीजों के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आगे अगर हम डिटेल से एक एक चीजों के बारे में बात करें कि कहीं ना कहीं आपको जैसे कि पता है कि 100 नंबर का ये क्वेश्चन, 100 नंबर का एग्जाम होना है, और अगर इसके थोड़े से हम जड़ तक पहुंचे, इसके डिटेल तक पहुंचे, तो हमारे सामने वो सारी लिस्ट निकल के आती है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछने की संभावना है, किस सब्जेक्ट यानी हिंदी से अगर क्वेश्चन पूछेगा, अगर हमारे सिलेबस में हिंदी है, हमारे सिलेबस में इंग्लिश है, हमारे सिलेबस में फिजिक्स है, तो किससे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां पर ध्यान से समझना है, जैसे कि लैंग्वेज पेपर जो है, जैसे हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों को मिला के इंग्लिश से 8 नंबर का क्वेश्चन, यानी 8 नंबर पूछे जाएंगे, 8 नंबर जो है क्वेश्चन के, ये मैं कह रहा हूं। और जैसे कि आपको पता है कि जो 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के होंगे, यानी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन के एक मार्क्स मिलने हैं। हिंदी से 5 क्वेश्चन, तो 5 और 8 क्वेश्चन आपके इससे मिल गए। उसके बाद कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिहार स्पेशल का जो क्वेश्चन है वो बड़ा जरूरी भी है पूछना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बिहार में अगर नौकरी कर रहे हैं तो बिहार की चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप बात करें तो पूरा का पूरा हमारा इतिहास जो शुरुआत ही होता है, जिसकी जो है शुरुआत अगर देखी जाए तो पूरे के पूरे बिहार से है, तो बिहार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में क्वेश्चन बनता है कि बिहार में ये जो क्या है। जैसे आप पढ़ते हैं इतिहास के बारे में अगर, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि बिहार से ही हमारे इतिहास की शुरुआत होती है, जहां पर मगध जैसा साम्राज्य निकल के आता है। आप पढ़ते हो पॉलिटी, तो पॉलिटी में आपको सबसे पहले ही दर्शन होता है कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही थे। तो ये जो बिहार की खूबसूरती है, कहीं ना कहीं जो एक्सप्लोजर है बिहार का, कि बिहार में वो सारी ऐतिहासिक जगह, बिहार में वो जो भी साइंटिफिक जगह जो पाई जाती है, उनसे बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछेगा। बिहार की चीजें क्या फेमस है, बिहार का कौन सा जो है राजकीय पेड़ है, राजकीय पशु क्या है, मिठाई क्या है, तो ये चीजें, बिहार की क्या क्या जगह है, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो फेमस है एक तरीके से, इससे क्वेश्चन पूछता है। ये हो गया आपका बिहार स्पेशल। करंट अफेयर्स का वेटेज, मतलब अगर आप कंपेरेटिवली सारे जो चैप्टर को देखें, सारे सब्जेक्ट्स को देखें, करंट अफेयर्स का वेटेज सबसे ज्यादा 13 नंबर, 13 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 7 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स से आएगा, 10 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से 8 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 11 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 11 क्वेश्चन, पॉलिटी से 6 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन, और
हर यहां पर आप टोटल इन सारे नंबर को जोड़ेंगे तो ये नंबर निकल के आता है 100। और एक जो क्वेश्चन है एक नंबर का है जिससे हमारा टोटल नंबर निकल के आता है 100। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो है आपका 100, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100। तो 100 में जो 100 नंबर है 100 क्वेश्चन है, तो क्या क्या चीजें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सारी चीजों के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो हम देखेंगे कि अगर आपके सामने अगर हिंदी लिख दिया तो हिंदी के क्या क्या सिलेबस हैं, हिंदी के सर आपको हिंदी के वो सारे तरीके बताएंगे कैसे आप हिंदी को इंप्रूव करेंगे, कैसे बेहतर बनाएंगे। यहां पर अगर मैं बात करूं कि एक होता है पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब होता है कि एक शब्द जो है उनके अलग अलग, जैसे आकाश है तो आकाश का पर्यायवाची अंबर, गगन, व्योम, तो ये सारी चीजें आती हैं। जो कमल है तो कमल का आता है पंकज, नीरज, तालाब है तो सरोवर, तो इसे कहते हैं पर्यायवाची, जिसे अंग्रेजी में मैं ही अंग्रेजी पढ़ाता हूं सिनोनिम्स के नाम से, सिनोनिम है। यहां पर रस पूछेगा, जो अलंकार है और रस पूछेगा कितने प्रकार, आपने दसवीं क्लास की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मेंशन कर रखा है कि मैट्रिक के बेस पर होगा, दसवीं क्लास के बेस पर होगा, तो रस के बारे में तो आपने बढ़िया से जो पढ़ा है, रस का आनंद आपने बढ़िया से उठाया है, यही है। तत्सम और जो तत्भव है इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, यानी जो है शब्दों का निर्माण, वर्ल्ड, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ल्ड बिल्डिंग, ये देखने को मिलेगी। विलोम समास, समास भी पूछ लिया, विलोक, विलोक समास भी पूछ लिया। यहां वाक्य संशोधन, यानी वाक्य संशोधन का मतलब होता है स्पॉटिंग एरर, जो सेंटेंस के अंदर कोई भी, कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई एक वाक्य लिखा है, अगर उसमें जैसे ही है तो ही के साथ आर लगाना गलत माना जाएगा, तो ही आर नहीं ही इज होता है, तो ऐसे एक सेंटेंस लिख देगा और उस सेंटेंस में जो त्रुटि है, एरर है, उसको आपको देखना है। लिंग, जेंडर, वचन, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल, कारक, काल, यानी कारक क्या है, काल जो है, जो टेंस, टाइम एंड टेंस, ये हो गया। वर्तनी, यानी त्रुटि से संबंधित चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ये आगे संधियों के बारे में पूछा जाएगा। अनेकार्थी शब्द, यानी एक से जो अनेक जो शब्द हैं वो वन सब्स्टिट्यूशन टाइप्स, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। यहां पर है मुहावरे के बारे में पूछा जाएगा, ऊंट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये चीजें हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना, ये है जो बहुत तरीके से पूछे जाते हैं मुहावरे। ये तो बड़ा खूबसूरत सा लगता है, मजे मजे में पता ही नहीं चलेगा कि कब आप सीख जाओगे, कब आप पढ़ ले जाओगे। ये रहा आपका हिंदी का सिलेबस। दूसरी चीज, मैं जैसे कि आपको मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा तो देखो हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा कॉमन है, क्योंकि चीजें तो वही हैं, उसी का इंग्लिश अनुवाद। जैसे कि वहां पर्यायवाची लिखा, विलोम लिखा, तो यहां पर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स लिखेगा, सेम चीज। स्पेलिंग आपसे पूछेगा कि इसकी स्पेलिंग क्या होती है, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि मैंने कहा कि रमेश की स्पेलिंग लिखनी है, तो लिख देगा रमेश में ऐसे, आपको चेंज करना है, आपको लिखना है रमेश, ये कहलाता है स्पेलिंग एरर, जो स्पेलिंग एरर। टेंसेस के अंदर पूछेगा काइंड्स ऑफ टेंस एंड देयर यूजेस, यानी कितने प्रकार के जो है टेंस होते हैं और उनके इस्तेमाल क्या है, यूज क्या है। एडवर्ब, एडवर्ब से क्वेश्चन पूछेगा। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन लगाना है कि इसके साथ क्या आता है, कि जैसे मान के चलो कि एग्री के साथ क्या लगेगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एग्री विथ और किसी चीज पे एग्री टू या एग्री एट क्या लगना है। आपको पूछेगा डाई ऑफ क्या है, डाई विथ क्या है, ये होता है फिक्स। प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन पूछा जाएगा, जैसे कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का निर्माण करता है उसमें पूछ सकता है। सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट पूछेगा, प्रोनाउन पूछेगा। यहां पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी नहीं छोड़ा, इसको भी उठा लिया, सिलेबस में हमारे है, एग्जाम में देखा जाए, हो सकता है पूछ दे, कोई भरोसा नहीं है। एडजेक्टिव, idioms and phrases, जैसे मुहावरे थे वैसे ही अंग्रेजी में। parts of speech, common error, जो error है, जैसे त्रुटि था वाक्य, त्रुटि वही चीज है। gender, लिंग, gender जो है masculine, feminine, common, neuter, ये सारी चीजें। singulars और plural, singular और plural, यानी जैसे boy का boys, man का men, ऐसे शब्द आता है। एक्सिस, एक्सेस, वाइफ, वाइफ्स, तो ये जो चीजें हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें साइंस, साइंस तीन सेक्शन में बटा हुआ है। पहला सेक्शन है फिजिक्स का, अच्छा खासा नंबर, केमिस्ट्री भी है ठीक ठाक नंबर का, बायोलॉजी भी है। बायोलॉजी के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों के दोनों चीजें हैं, जिसमें फिजिक्स के अंदर कार्य, ऊर्जा और शक्ति, मापन, मात्रक जो है, गति की, गति के नियम, विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो प्रकाशिक परमाणु एवं नाभिक, ये सारी चीजें आप जैसे कि पूरा का पूरा आपको ये मिल जाएगा पीडीएफ, तो आप वहां आराम से पढ़ लेना,
जो केमिस्ट्री के अंदर परमाणु संरचना जो रासायनिक जो अभिक्रिया होती है कार्बन और उनके यौगिक जो होते हैं ये सारी चीजें, बायोलॉजी के अंदर जो सजीव जगत की जो विविधता है वो सब पूछेगा, प्रजनन और उसका विकास ये सारी चीजें पूछेगा। तो ये सारी चीजें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पीसीबी ये पूरा का पूरा साइंस सेक्शन ये पढ़ सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। मैथमेटिक्स के बारे में अगर बात करें, मैथमेटिक्स का भी पूरा सिलेबस डाल चुका है, जो समुच्चय है, संबंध एवं फलक जो फलन है, उसके गणितीय जो तर्कशास्त्र है, जो बीजगणित है, तो ये सारी चीजें आपकी हैं, इसमें सब कुछ पूछ चुका है, कोई ऐसी चीज बाकी ही नहीं है, सारी चीजें आपके सामने हैं। ये पूरा का पूरा आप एक बार पढ़ना चाहो आप पढ़ लोगे, बाद बाकी जो आप जो सर जो आपको पढ़ाएंगे तो वो सारी चीजों के बारे में डिटेल्स और ज्यादा डिटेल से बताएंगे। अभी तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, जो एक ओवरव्यू में बता रहा हूं, लेकिन बाकी सर जो हैं इनके और भी ज्यादा खंड करेंगे और भी अलग तरीके से बताएंगे। जैसे कि इकोनॉमिक्स है तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, लेकिन एक कहीं ना कहीं आप ध्यान रखो कि आप दे रहे हो बिहार पुलिस का पेपर, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज को छोड़ के जो जनरल सी चीजें हैं उसमें बिहार का रोल बहुत ज्यादा रहेगा। जैसे आप देखो कि यहां पर है अर्थशास्त्र का परिचय, चलो अर्थशास्त्र का परिचय क्या है, इकोनॉमी क्या है, जिसमें हम जो सारी बातें करते हैं कि इकोनॉमी की जरूरत ही क्यों है, अगर ना रहे तो क्या देश की अवस्था बनेगी, ये सारी चीजें हैं। उपभोक्ता व्यवहार एवं उसका मांग, सप्लाई डिमांड, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। लेकिन आप यहां पर देखो बिहार का आर्थिक विकास, विकास देश का नहीं, बिहार का आर्थिक विकास से क्वेश्चन आएगा। बिहार का जो विकास नीतियां, जो नीतियों को बनाया गया है और उनका अनुभव 1947 से लेकर 90 तक, याद रखे 1947 से 90 तक ही पूछेगा, ये चीज आपको पढ़ना है बिहार का स्पेशल। बिहार और भारत की अर्थव्यवस्था दोनों को जोड़ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे बिहार का इसमें इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा, बिहार से क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिलेगा। बाकी जैसे मैंने कहा कि आपको सर आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, राष्ट्रीय आय एवं उनके उनसे संबंधित जो समुच्चय है वो सारी चीजों के बारे में, आय और रोजगार, कितने आय मिले, कितने उनके आय हैं, रोजगार क्या क्या तरीके से दिया गया, डेटा और इन सारी चीजों को, जैसे भारतीय जो विकास जो अनुभव है, उन सारी चीजों से क्वेश्चन पूछेगा इकोनॉमिक्स के टर्म में, इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में देखो सीधा सीधा इसने क्या लिखा है, इसने लिखा कि मानव भूगोल के मुख्य तत्व, यानी मानव का जो भूगोल रहा है उसके मुख्य तत्व क्या है। और यहां पर कहीं ना कहीं आप एक चीज देख लो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को नहीं पूछा है, तो जितने सारी वर्ल्ड ज्योग्राफी है उनको एकदम नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल का मतलब है कि जैसे भारत के अंदर, जैसे नदी हो गई भारत की नदी, अब विश्व की नदी नहीं भारत की नदी, पहाड़ भारत के पहाड़, तो ये चीजें हैं। और कहीं ना कहीं आप देखो कि आपको खास करके बिहार भूगोल पर फोकस ज्यादा करना, क्योंकि क्वेश्चन आने की जो प्रायिकता है इससे ज्यादा बनती है। जैसे आप बिहार से संबंधित जो है झारखंड के बारे में पढ़ सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड देगा तो आपको बिहार पूछा था, लेकिन भारतीय भी तो बोला है तो वो है, या बिहार में भी जो चीजें मिलती हैं उनसे संबंधित। और आर्थिक भूगोल को भी पूछा, आर्थिक भूगोल से भी क्वेश्चन आने की संभावना है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये रही ज्योग्राफी के बारे में बात। यहां पर पॉलिटी के बारे में अगर बात करें तो राजनीति का विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है, क्यों अगर राजनीति रहनी जरूरी है देश में, ये सारी चीजें आप देखो। यहां संघ एवं जो है कार्यपालिका यानी संघ एवं उसकी कार्यपालिका, यानी संघ क्या है, संघ मतलब हो गया आपका, जैसे पार्ट वन अगर देखा जाए कि इंडिया और उसके जो संघ है राज्य एवं उनके संघ, ये सब कार्यपालिका, यानी जो कार्यपालिका है एग्जीक्यूटिव है, राज्य क्या है, भारत की चुनावी प्रणाली यानी यहाँ पर इलेक्शन सिस्टम को भी पूछ चुका है, राष्ट्रीय एकता एवं चुनौतीय जो संप्रभुता है वो सब पूछ चुका है, भारत की विदेशी नीति क्या है, राज्य की कार्यकारिणी क्या है, राज्य विधायिका क्या है, यानी विधायिका भी पूछ लिया। तीन खंड हैं एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, तीनों चीज के बारे में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के हिसाब से, जो पॉलिटी है उसके हिसाब से पूछ चुका है, क्योंकि आप देखो यहाँ भारतीय न्यायपालिका भी है, जुडिशरी सिस्टम भी है, यहाँ राज्य की विधायिका है, कार्यकारिणी है एवं कार्यपालिका, सब कुछ दिया है। तो आपको यहाँ पर रणनीति बनानी पड़ेगी, चीजों को समझना पड़ेगा कि क्या क्या, इतना बड़ा सिलेबस है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं खुद से सारी चीजें करूंगा तो समय आ जाएगा लेकिन सिलेबस पूरा नहीं होगा। इसी में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है एक टीचर की, कि जो सारी की सारी चीजें हैं उनको उसके पर्सपेक्टिव से, कि बिहार के जो इस बिहार सिपाही है, जो बिहार पुलिस है, उसके पर्सपेक्टिव से सारी की सारी चीजें आपको बताएं। आगे बढ़े तो यहां आपके सामने है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में देख लो आप, यहां पर पूर्व इतिहास, आद्य इतिहास, एंशियंट पीरियड का भी पूछ लिया, राष्ट्रवादी आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है 1918 से 1997 तक, विभाजन
यानी कहीं ना कहीं 1905 जो विभाजन, जैसे बंगाल विभाजन ऐसी चीजें देखने को मिली, या भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा है ये भी पूछ सकता है, स्वतंत्रता ये कहीं ना कहीं है। नए राज्यों के दर्शन, यानी नए राज्य जो बनाए गए, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार से झारखंड को किस वर्ष अलग किया गया, तो ये क्या है, विभाजन संबंधित क्वेश्चन है ये। जो पुरानी सभ्यता है, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक पीरियड, वैदिक सभ्यता, जो बौद्धिक सभ्यता है, ये सारी चीजें पूछ सकता है। यहां पर आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन के वाहन, यहां पर विवेक बनाम प्रेरित राजनीति, यानी जो एक गरम दल और नरम दल के बारे में जैसे आप समझते हो, 1857 का विद्रोह, 1857 की जो क्रांति है वो है, ठीक है। यहां पर आधुनिकीकरण की पुष्टि एवं प्रसार, 19वीं सदी के भारतीय जो जागरण है वो है, मध्यकालीन आदेश है, ये सारे तीन विचारधाराएं एवं उनकी आपसी संघर्ष, यानी ट्राइंगुलर वॉर है, उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया है, जैसे ट्राइंगुलर वॉर जिसे कहते हैं, उससे भी क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के जरिए देखने को मिलेगा। ये रहा आपका पूरा का पूरा। अगर यहां पर एक चीज और देखा जाए कि स्टैटिक्स भी आपसे पूछेगा, ये समझ लो कि एक नंबर, एक से दो नंबर आने ही आने हैं। स्टैटिक्स की बात करें, जैसे जो है पुरस्कार और लेखक, पुरस्कार जो है वो, पुरस्कार मतलब कि जो किनको मिला है, लेकिन इसको पुस्तक और लेखक, जैसे कि ये भी समझ सकते हैं, पुरस्कार भी तो पूछेगा, लेकिन यहां पर पुस्तक भी है, ये पुस्तक है और उसके लेखक, जैसे ये किताब किसने लिखा, ये किताब जो किसकी रचना है, तो ये सारी चीजें, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पुस्तक एवं लेखक या फिर पुरस्कार भी, पुरस्कार एवं लेखक नहीं होगा, पुरस्कार आएगा। यहां पर देश और मुद्राएं, यानी जैसे देश के अंदर कौन कौन सी मुद्राएं चलती हैं, जैसे अगर हम रुपया की बात करें तो हमारे देश के अलावे और भी देशों में चलती है, जैसे यूरोप में, जैसे मान के चलो यूरोप में जाओगे तो वहां तो अलग करेंसी है, यूरो है, अमेरिका में जाओगे डॉलर है, रशिया में जाओगे रूबल है, वैसे ही अलग अलग देश में जो जो चलती चीजें हैं, जो मुद्रा है, उनके नाम क्या हो सकते हैं, कि इस देश की मुद्रा क्या है। यहां पर देखो तो रक्षा एवं पड़ोसी संबंध, यानी जो आपसी जो है एक दूसरे देश के साथ कैसा संबंध है, कैसा है, जैसे बांग्लादेश के साथ संबंध कैसा है, जो हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ संबंध कैसा है, क्या क्या चीजें हैं। यहां पर खेल के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, खेल, ये खेल से, जैसे ये हाल फिलहाल में जो खेल खेला गया उसमें कौन रहा, कौन विजेता रहा, जैसे अभी हाल फिलहाल की बात करें आईपीएल के, तो आईपीएल का विजेता कौन रहा, कितने जो है टीम ने पार्टिसिपेट किया था, सेमीफाइनल में कौन था, ये सारी चीजें जरूरी नहीं है क्रिकेट से ही, हर खेल से हो सकता है। भारतीय संस्कृति, परंपरा और त्यौहार, भारत की जो संस्कृति है, यानी सांस्कृतिक चीजें हैं, किस क्या परंपरा है, कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, यहां पर ये क्वेश्चन आएगा। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जो तथ्य है वो भी आएगा। प्रसिद्ध व्यक्ति और नाम, यानी जैसे कोई अगर फेमस कोई व्यक्ति है तो उनका नाम, जैसे उपनाम से भी पूछ सकता है, लौह पुरुष किसे कहते हैं, जो ऐसी चीजें आए, जो ग्रैंड ओल्ड मैन, जो ऐसे चीजें पूछ सकता है कि जो फेमस है उन्हीं से पूछेगा। आविष्कार, कि रेडियो का आविष्कार किसने किया, टीवी का आविष्कार किसने किया, बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो ये सारे क्वेश्चन स्टैटिक्स के पार्ट होते हैं, ये सब आ जाएगा। ये तो रहा आपसे कि जो आपके खास करके एग्जाम का पैटर्न था, कि जो अगर बात करें हम कि इसमें रिटन टेस्ट जो है, जिसको OMR के जरिए लेगा, ऑफलाइन तरीके से लेगा, तो रिटन टेस्ट को कैसे क्वालिफाई करना है, ये पूरा हमारा इतना, देखो इसके बारे में बताना आपको इसलिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं आप सच्चाई देख सको कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इतना बड़ा सुनहरा मौका है, तो किस तरीके से आप इस जो बड़ी सी, जो नहीं कहते चक्रव्यूह जो है, इस चक्रव्यूह को कैसे पार कर पाओगे। यहां पर जो चक्रव्यूह अलग अलग तरीके से आपसे पूछ रहा है, सिलेबस के जरिए, क्वेश्चन के जरिए, उसको कैसे आप निकल पाओगे, इसका एक ही जवाब है कि आप अगर ये सोच रहे हैं खुद से कुछ करने का, तो ये समझ लो कि बहुत बड़ा सिलेबस है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, लेकिन बड़ी मुश्किल होगी, रिस्क नहीं लेना है आपको। इसके लिए आप हमारे जो बैच है, जो बिहार स्पेशल जो बैच है, बिहार पुलिस का जो स्पेशल बैच है, ओरिएंटेड उसी के लिए जो है, डेडिकेटेड उसी के लिए है, आप उस पर कनेक्ट हो सकते हो, और आप एक एक जो टीचर हैं, एक एक सब्जेक्ट के जो टीचर हैं, आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि सर इससे फिल्टर करके सारे क्वेश्चन बताइए, इनसे जो भी संबंधित क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी जिनकी ज्यादा है, वो हमें पढ़ाइए। तो ये आपके पास एक मौका है, और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको जाना है खान ग्लोबल स्टडीज, जो हमारा एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना है, और उसमें आप देखेंगे बिहार स्पेशल के नाम से बैच है, आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। यह है आपके पास सुनहरा मौका। आगे अगर बढ़ें तो आगे हम बिहार पुलिस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें
कि यहां पर इसकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, यानी किस प्रकार से नियुक्ति करेगा, तो मैंने जैसे कि पहले आपको बता दिया कि ये दो चरण में है। प्रथम चरण कहता है लिखित परीक्षा, रिटन टेस्ट। जो रिटन टेस्ट है उसमें रिटन टेस्ट के तरीके से जो पूछेगा, इसमें ये पूरा का पूरा विवरण है, जिसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दसवीं कक्षा यानी मैट्रिक के आधार पर सारी चीजें होंगी, जिसके अंदर 100 अंकों की परीक्षा ये ली जाएगी। क्लियर। और यहां पर कह रहा है कि आवेदन पत्रों को संग्रहण के उपरांत, यानी जब आप संग्रहण कर लेते हैं, बोलो आवेदन पत्र, जो आवेदन पत्र है उनकी जो है समीक्षा की जाएगी। समीक्षा में जैसे जिन अभ्यर्थी जो है, जो भी लोग जो एप्लीकेंट हैं, जिन्होंने आवेदन किया है, अगर सही पाया जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, उन्हीं को आगे फर्दर जो है टेस्ट में बुलाया जाएगा, जिसमें आपके 100 अंकों का ये पेपर है। प्रश्न पत्र दो घंटे के एक प्रश्न पत्र के कुल 100 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक नंबर दिया जाएगा। यानी जैसे कि मैंने कहा कि आपके सामने 100 क्वेश्चन होंगे, जो एक नंबर का होगा तो टोटल जो मार्क्स जो बनेगा वो 100 बनेगा। क्लियर। तो 100 नंबर का आपका लिखित परीक्षा हो गया, जो रिटन एग्जाम है वो हो गया। दूसरे चरण देखा जाए, जो द्वितीय चरण है, जिसको शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों का ही होगा। इसका मतलब यह है कि 100 अंकों का आपका हो गया शारीरिक योग्यता टेस्ट, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और 100 अंक का हो गया आपका रिटन टेस्ट, ये हो गया आपका, जिसमें दौड़ अधिकतम जो है 50 अंक का। यानी कहीं ना कहीं आप देखो, ये तीन स्टेज में ले रहा है, ये जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, इसके स्टेज तीन है। पहला दौड़, दूसरा गोला फेंक, तीसरा ऊंची कूद। ये तीन है आपके, जो जिनके नंबर जो निर्धारित हैं, दौड़ के 50 नंबर और गोला फेंक के 25 नंबर और ऊंची कूद के 25 नंबर, जो कि मैक्सिमम नंबर है। ये कहीं ना कहीं अंग्रेजी की भाषा में कहा जाए तो अप टू है। अप टू का मतलब होता है कि आप अधिक से अधिक 50 नंबर ला सकते हैं दौड़ में, आप अधिक से अधिक गोला फेंक में 25 नंबर, आप अधिक से अधिक ऊंची कूद में 25 नंबर, और ये टोटल नंबर जोड़ के हो जाता है 100 नंबर। अब ये अधिक से अधिक का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपके मन में ये विचार आएगा कि सर अधिक से अधिक का मतलब क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूं। अगर मैं पहले चीज के बारे में बात करूं कि जो दौड़ है, जो 50 नंबर का है, जिसको मैंने कहा कि अधिक से अधिक ये 50 नंबर का है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये पहले तो समझते हैं पुरुषों के बारे में, यानी सभी कोटि के जो पुरुष हैं उनके लिए एक मील, जिसका मतलब होता है 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर का, जिसकी समय सीमा है, जो समय सीमा है वो है 6 मिनट। यानी अगर आप 6 मिनट के बाद आते हैं तो आप एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, आप वहीं से फेल हो जाते हैं। लेकिन आप अगर 6 मिनट से कम समय में, कम समय बोले तो कम समय का मतलब है कि अगर आप 5 मिनट से भी कम समय में आ जाते हैं या 5 मिनट तक आ जाते हैं, तो आपको जो नंबर दिए जाएंगे वो मिलेगा 50। ये है अप टू, अधिकतम कितना 50, कब तक, 5 मिनट से कम समय में। और 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड, यानी आप अगर 5 मिनट में पहुंच गए, यहां है 5 मिनट से कम, यानी 5 मिनट से कम का मतलब है कि 4 मिनट 49 सेकेंड में आ जाओ, 59 सेकेंड में जो है आ जाओ। यानी आप अगर 5 मिनट 59 सेकेंड में आते हैं तो आप इसकी यहां 5 मिनट से कम का मतलब है 4 मिनट 59 सेकेंड, 4 मिनट 59 सेकेंड में आप आते हैं तो आपको मिलेगा 50 अंक। लेकिन अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड, यानी 20 सेकेंड लेट होते हैं, देखो सेकेंड सेकेंड से नंबर कट रहा है, कि आप अगर 20 सेकेंड तक आते हैं तो आपको टोटल 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकेंड से आप 20 सेकेंड और लेट करते हैं, 40 सेकेंड तक आते हैं, तो आपको टोटल 30 नंबर मिलेंगे। आप 5 मिनट 40 सेकेंड से 6, अब तो कितना है, 6 मिनट अधिकतम निर्धारित ही है, तो 6 मिनट तक आते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। आपको कितना, 20 अंक मिलेगा, यह है आपका। उसके बाद ये रहा पुरुषों के लिए, जैसे कि मैंने आपसे बात किया कि ये पुरुषों के लिए है, ये दोनों लोगों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए है। लेकिन महिलाओं में थोड़ा सा बदलाव क्या है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए वहां एक, पुरुषों के लिए जहां 1 मील यानी 1600 मीटर था, इसके लिए 1 किलोमीटर का रेस करा गया है।
यानी 1000 मीटर का रेस है, 600 मीटर कम, जिसको अधिकतम यानी मैक्सिमम 5 मिनट में पूरा करना है। और इसके भी नंबर कुछ उसी प्रकार से निर्धारित किए जाएंगे कि आप अगर 4 मिनट से कम समय में आते हो, यानी 4 मिनट से कम समय पे आते हो, तो आपको 50 नंबर मिलेगा, 50 नंबर्स आपको दिए जाएंगे, 50 अंक दिए जाएंगे। और अगर आप 20 सेकेंड लेट होते हो, यानी 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड आप आते हो, तो आपको 40 अंक मिलेगा, 10 अंक कम कर दिया जाएगा। दूसरा, 4 मिनट 20 सेकेंड से 4 मिनट 40 सेकेंड तक आते हैं, 30 अंक मिलेगा। 4 मिनट 40 सेकेंड से अधिक यानी एवं 5 मिनट तक, अब तो 4:40 से 5 तक, तो आप अगर वहां तक आते हैं तो आपको मात्र 20 अंक मिलेगा। यही था कि अधिक से अधिक इतना मिलेगा महिलाओं और पुरुषों के लिए, किसमें, दौड़ में। क्लियर, दौड़ में मैक्सिमम है, कहीं ना कहीं ध्यान देना, इसकी जो मेरिट लगनी है वो ज्यादातर प्रेफरेंस करी जाएगी पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट की तरफ, तो ये भी आपको मजबूत करते रहना है, इसको भी ताकतवर बनाना है, ये भी चीजों में एक्सपर्ट रहना है। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो यहां पर है गोला फेंक, यानी गोला होता है, उस गोले को फेंकना होता है, और गोला फेंक जो है उसके नंबर मिलेंगे टोटल 25, यानी 25 जो है 25 अंक मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात निकल के आती है पुरुषों की, यानी पुरुष लोग जो है उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। यहां पर जो है 16 पाउंड का गोला, यानी जो 16 पाउंड का जो गोला है, जिसको न्यूनतम मतलब है मिनिमम कितना फीट, 16 फीट फेंकना होगा। एक गोला कुछ इस प्रकार का आपके सामने होता है, एक जो गोला है हाथ में, ये तो ज्यादा बड़ा है, हाथ में आपका आ जाएगा, हाथ से फेंकना होता है। और इस गोले का जो कुल वजन होता है वो होता है, इस गोले का जो टोटल वजन होता है वो होता है 7 kg 260 ग्राम, यानी 7.26 kg, जिसका टोटल वजन निकल के आएगा एक जो है 16 पाउंड के आसपास। तो ये आपका टोटल जो है बन के आता है, तो लगभग ये समझ लो कि 7.25 kg का गोला है, उसको फेंकना है। जो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पुरुषों का, तो पुरुषों को 16 फीट से 17 फीट तक, यानी 16 से 17 फीट तक जो अगर फेंकता है उसे, यानी 16 तो मिनिमम है, तो यानी उसे 9 नंबर मिलेंगे, 9 अंक। और 17 फीट से ज्यादा, 18 फीट तक अगर फेंक देता है 13, अगर 18 फीट से 19 फीट तक 17, यहां पर 19 से लेके 20 तक 21, और 20 फीट से ज्यादा अगर फेंक दिए तो यहां पर नंबर आपको मिल जाएंगे 25, टोटल 25 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर महिलाओं के लिए, कि यहां तो जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, लेकिन बस यही है कि 16 पाउंड का गोला हो जाएगा, जो कम से कम 12 फीट फेंकना है महिलाओं के लिए, यानी 12 फीट से 13 फीट तक, जो 12 फीट से 13 फीट तक जो है वो है 9 अंक मिलेगा, 9 नंबर मिलेगा। 13 फीट से ज्यादा 14 फीट तक 13 अंक मिलेगा, 14 फीट से ज्यादा 15 फीट तक 17 अंक मिलेगा, 15 फीट से जो 16 फीट तक अगर गोला फेंक दे रही हैं तो 21 अंक मिलेगा, 16 फीट से ज्यादा 25 अंक मिलेगा। तो बस यही चीज आपको बना के रखना है कि यहां पर जो गोला है उसको भी फेंकना है, तो कहीं ना कहीं आप ट्राई करते रहिए। अब ये ना कि आप खाना बना रही हो तो जो आटे का गोला है उसी को उठा के फेंकना शुरू कर दे, ऐसा नहीं करना है। जो एग्जाम है उसके अंदर ही आपको गोला फेंकना है, तो इसकी प्रैक्टिस जो ग्राउंड में ही करी जाए। आगे बढ़े अगर हम तो आगे देखेंगे ऊंची कूद है, सेम वही चीज है कि पुरुषों के लिए अलग महिलाओं के लिए अलग, जिसकी यानी ऊंची कूद जिसकी न्यूनतम ऊंचाई है 4 फीट जो है न्यूनतम है, लेकिन जो है 5 फीट तक अधिकतम है। अगर आप 5 फीट कूद जाते हो तो 25, अगर आप 4 फीट 4 इंच तो 21, 4 फीट 4 इंच 8 इंच तो 21, 4 फीट 4 इंच तो 17, और 4 फीट तक अगर है तो 13 अंक मिलेंगे आपको। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे कि जो महिलाओं के लिए है, तो उनको कम से कम 3 फीट तो कम से कम कूदना है, और 3 फीट जो ऊंची कूद है जिसमें आपको 3 फीट के 13 नंबर,
3 फीट 4 इंच के 17 नंबर और 3 फीट 8 इंच के 21 अंक मिलेंगे, और 4 फीट अगर कूद गई तो 25 अंक मिल जाएंगे। तो ये रहा आपका दोनों के दोनों, यानी कि पहला है आपका स्टेज वन और दूसरा है आपका स्टेज टू। स्टेज वन आपका रिटन टेस्ट, स्टेज टू आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो कि इस तरीके से पूछा जाएगा। संपूर्ण जानकारी आपको दिया गया कि किस प्रकार से आपको जो है एग्जाम देखने को मिलेगा, किस प्रकार से आपका स्टेज होगा। 20 तारीख से जो है आपको अपनी कमर की पेटी बांध लेनी है, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेनी है, और मौसम बिगड़ना है तो इसके लिए तैयार रहना है और लग जाना है अपनी मंजिल की तरफ। क्योंकि याद रखना कि जीवन में जो इंसान की कदर तभी होती है जो कुछ योग्य होता है, यानी जो योग्य है। और योग्यता सिद्ध करने का तरीका है कि आप कितने योग्य हैं, इस चीज को बताना है तो आप अपनी सफलता से बता सकते हैं। आप अपनी सफलता से बताना है कि किस प्रकार से आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप रणनीति बना रहे हैं, ये एकदम छुपा के रखना। मेहनत को इतनी खामोशी से करना है, कहते हैं कि मेहनत को इतनी खामोशी से करो कि सफलता धूम मचा दे। लग जाना है अपनी मंजिल की तरफ, और लग जाना है कि कहीं ना कहीं आप देखो कि आपके पास बहुत बड़ा मौका है। एक जो नंबर है जो ये जो 21,000 प्लस की जो जो वैकेंसी का जो नंबर है, ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। आप समझ सकते हैं कि जो एक इतना बड़ा नंबर देने का मतलब है कि सरकार भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है रोजगार हो सके, इम्प्लॉयड हो सके। और इस नौकरी को पाने का जो सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका मैं ये बोलूँ रिटन टेस्ट के हिसाब से, कि रिटन एग्जाम को निकालना ही जरूरी है। क्योंकि आप उसके बाद अगर नहीं निकालते हो तो फिर आगे की तो बात ही नहीं है, रुक जाओगे। तो यहां पर उसके लिए आपको, जैसे कि मैंने कहा, 20 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएगा। तो आप ये जो इसकी वेबसाइट है www.csbc, यानी यहां पर सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड जो है कमीशन, उसके हिसाब से जो BIH यानी बिहार NIC.in, इस पर जाके आप सबमिट करके आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इस पर जो विजिट करके आप सबमिट करिए, और बिहार पुलिस के टैब को, यानी ये सारी चीजें जो है ये आप देख सकते हैं, और यहां पर क्लिक करेंगे, और यहां से जो चीजें हैं ये तो आप जो है फॉर्म को सबमिट करेंगे, यानी आप अपने आवेदन को भेजेंगे, लेकिन नौकरी लगेगी कहां से, तो आपको इसके जरिए जो khanglobalstudies.com, ये जो है यहां से आपकी नौकरी सुनिश्चित होगी, यहां से आपकी नौकरी लगेगी। खास करके ध्यान दो, यहां बात करते हैं कि इसकी तैयारी क्या होगी, किस तरीके से हम काम करेंगे, किस तरीके से हम सारी की सारी चीजों को तैयार करेंगे। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, इसके लिए आपको परेशान नहीं रहना है। हंसते हंसते मुस्कुराते ये रास्ते कब गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके समक्ष जो ये समझ लो कि साक्षात ये कहा जाए कि एक बहुत सुनहरा मौका है आपके पास, जो बिहार पुलिस के रूप में आया है। और कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि जब सीने पर, जब शरीर पर जब वर्दी होती है और सीने पर जब उसका नाम होता है, तो उस बात की हनक कुछ और होती है। और बगल में जो आपका रहता है उसके बारे में तो पता ही आपको, तो वो जो वर्दी की जो हनक है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी है। उसके आगे सारी सारे जो ड्रेस हैं कहीं ना कहीं फीके पड़ जाते हैं। आप अगर कितना भी महंगा ड्रेस खरीद लें, लेकिन वर्दी के आगे उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। तो बस यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था कि कैसे होगा। बाकी विशेष चीजों के लिए, विशेष जानकारी जो चाहिए आपको, तो आप हमारे जो वेबसाइट है खान ग्लोबल स्टडीज, यही है khanglobalstudies.com, यहां विजिट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे बैचेस चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे खान ग्लोबल स्टडीज एंड्रॉयड एप्लीकेशन को, और वहां से आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएंगी कि किस तरीके से चल रहा है। और अभी हाल फिलहाल में जो बैच स्टार्ट हुआ है, तो आपके पास बहुत बड़ा मौका है। बात बाकी आगे हम और सारी चीजों के बारे में, जैसे कोई अपडेट आता है तो उसके बारे में हम आगे आपको बताते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।